अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप? फिट पार्ट हैं। सो आज मैं आपको पहली दफ़ा अपने YouTube चैनल की हिस्ट्री में, ऑनलाइन हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसे बंदे से आप लोगों को मैं मिला रहा हूँ जिसका मेरी इंटरनेट मेकिंग मनी के कैरियर में बहुत वाइटल रोल है। पहले 5-6 साल जो मैंने ब्लॉगिंग की, वो मैंने इनको देख के स्टार्ट की, या सॉर्ट ऑफ कह लें कि जब मेरा ब्लॉग की जो सारी प्रोग्रेस या 80-90% प्रोग्रेस वो इनको देख के, इनसे इंस्पायरेशन ले के, इनसे मोटिवेशन ले के मैंने स्टार्ट की। मैंने जब 2011 में ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मैंने रैंडमली जब गूगल पे सर्च किया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इनका ब्लॉग मेरे सामने आया था, myblogertricks.com। वो आज भी ब्लॉग है इनका। मैं उसका ब्लॉग के अबाउट सेक्शन में गया, मैंने देखा यार ये बंदा पाकिस्तानी है, इफ़ ही कैन डू इट, इफ़ ही इज़ अर्निंग सो मच, अगर इनके ब्लॉग्स पे इतने ऐड लगे हैं, तो तब मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार पाकिस्तानी भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता नहीं है। और उस वक्त तो बहुत मिनिमम थे, और ये पाकिस्तान के फ्यू 4-5 ब्लॉगर्स में से होंगे, मुश्किल से गिने चुने जो कि ये इतने सक्सेसफुल रेट पर कर रहे थे। 2011 में उस वक्त ये ठीक ठाक अर्न कर रहे थे। अच्छा, मैं जब इनसे मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, मुस्तफ़ा भाई को, इनका फुल नेम है मुस्तफ़ा मोहम्मद अहमद जई, ये कराची में होते थे। मैंने उनको मैसेज किया, हमारी सलाम दो हुई, ईमेल्स के ऊपर बातचीत हुई, फिर व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत हुई, इस तरह डिफरेंट फिर हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते रहे। फिर इनसे मिलना भी बाद में हुआ। तो इनको देख देख के फिर मैं, फिर जिस टाइप के इनका कंटेंट आता था, फिर मैं उससे इंस्पायरेशन लेके मैं अपने ब्लॉग पे डालता था। 4-5 साल इनको, इनसे मैंने लर्न कर करके, इनको देख देख के मैंने अपने ब्लॉग को राइज़ किया, उसकी ग्रोथ करवाई, उससे मेरी इनकम हुई। तो इनका फुटप्रिंट मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि अर्ली स्टेज जो सारी आपकी जो बेस बनती है ना, अर्ली स्टेज में बनती है कि आपके मेंटर्स कौन हैं, किन से आपने इंस्पायरेशन ली है, वो आपका लेवल सेट करते हैं कि यार ये मुझे खींच के यहाँ तक ले जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर ये 2-3 बंदे मेरी लाइफ में ना होते, पहले मैंने जो पहली दफ़ा मैंने वेबसाइट बनानी सीखी थी, वो मैंने लीसा एरबी टू क्रिएट अ वेबसाइट .com उनकी वेबसाइट थी, वहाँ से सीखी। उसके बाद वेबसाइट के बाद जब मैं ब्लॉगिंग में आया तो फ़ौरन मुझे ये मिल गए। तो अल्लाह पाक ने मुझे हर लेवल के ऊपर एक अच्छा, एक हाई अचीवर और एक ऑनेस्ट, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला बंदा हमेशा मुझे मेरा मेंटर सेट किया, जिसको देख के। लेकिन मैंने कभी अपने यूट्यूब कैरियर में ये कभी शेयर नहीं किया था। अब मुस्तफ़ा भाई जो है वो कराची से बाई चांस बड़े अरसे के बाद यहाँ पे आए, कहते हैं मैं नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने जा रहा हूँ, आगे गए गिलगित, कहाँ कहाँ तक गए, हमजा गए, तो वापसी पे फिर वो इस्लामाबाद आए। तो फिर वापसी के, और मैं और कासिम को, हम दोनों का रिलेशनशिप मुस्तफ़ा भाई के साथ था, हमने मुस्तफ़ा भाई के ब्लॉग्स के लिए एज एन एम्प्लॉय भी काम किया हुआ था, सैलरी बेसिस के ऊपर, कि जी पर आर्टिकल बेस पे, तो हम वहाँ से भी हमारा कनेक्शन था। फिर मैंने अपना ब्लॉग भी जब मैं चला रहा था वहाँ से भी, तो लाइक ही हेल्प्ड अस बोथ ऑफ अस, मी एंड कासिम, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस वीडियो में आपको मुस्तफ़ा भाई से मिलाऊंगा। एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड हिज ओन क्लोथिंग ब्रांड, ई कॉमर्स, शलवार कमीज, ट्रेडिशनल, ये सारा कुछ, तो वो उसमें आप लोगों को बताएंगे। और आप फिर, मैं इस पूरे वीडियो में बोलूँगा बहुत कम, और सिर्फ कैमरा उनकी तरफ होगा, और वो आप लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे। यकीन करें कि इतना मोटिवेटिंग बंदा आपने अपनी ज़िंदगी में शायद ही कोई देखा हो। और बस मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो, ठीक है? तो अच्छा, आप मुस्तफा भाई यार ज़ीरो से बताएं कि किस तरह, मतलब अच्छा पहले इतना है कि ब्लॉगिंग से आप यार, पहले तो मैंने बताऊँ मैंने कितना ज़ालिम दोस्त है, मुझे मुझे बुलाया डोमिनो पिज़्ज़ा पे, और यहाँ मुझे कहा नाउ यू नीड टू गिव अ लेक्चर ऑन हाउ जोनम स्टार्टेड। तो शायद ये भी दोस्तों की मोहब्बत है। नहीं, आप लोगों को यार जो इंस्पायरेशन होगी ना, जो इंस्पायरेशन मिलेगी ना, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि यार इनका स्टार्ट किस तरह, इन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट, बल्कि वैसे मतलब मुस्तफा भाई अगर जोनम तो बहुत बाद की बात है, दोनों को छोड़ें, आप ये बताएं कि जिस तरह आपने ब्लॉगिंग से, जिस तरह आपने खुद स्क्रैच से स्टार्ट किया था यार, घर में बैठे किस तरह आपको डिप्रेशन फेस था, अगर ए लेवल, वो थोड़ा बताएं थोड़ा किस तरह आप ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया यार। सिंपल ये था कि स्टोरी अक्सर वेबसाइट पर भी है कि ए लेवल्स के बाद जैसे सब बच्चों का ख्वाब होता है कि यार वो US जाए, मेरे भी बहुत अच्छे ग्रेड्स थे और 3 A's थे ए लेवल्स में, 1 B था, और आजकल के 3 A stars एग्जैक्टली exactly. और मैंने दिया भी एक्सेलरेटेड मैथमेटिक्स, लाइक गिविंग ऑल पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन 1 year। तो उसके बाद फर्दर मैथमेटिक्स इज अनदर थिंग, फर्दर मैथमेटिक्स, हाँ एग्जैक्टली, वो तो बहुत। तो मैं बहुत बड़ा नर्ड था, और यहाँ आया इस्लामाबाद US Embassy, तो यहाँ उन्होंने कह दिया कि बॉय वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, काइंडली कम बैक टुमारो। कम बैक टुमारो का मतलब होता है कि यार आप वापस जाओ, रीअप्लाई करो, ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करो, दोबारा एक स्ट्रॉन्ग केस बना के लेकर आना। इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मैं नहीं जा पाया। मैं अपनी क्लास में सबसे गरीब बच्चा था, यानी कि मैं सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़ता था, जहाँ मेरे क्लास फेलोज प्राडो श्राडो में आते थे। ये वही स्कूल है जहाँ से मुशरफ साहब पढ़े हैं, शौकत अजीज साहब पढ़े हैं। सेंट पैट्रिक्स हैव अ बिग हिस्ट्री, और
मेरा भी ख्वाब था। अब मैं वहाँ 11C में बैठ के, 11C कराची में बस का नाम है, उसमें बैठ के पेरेंट टीचर्स मीटिंग में जाता था और मेरे क्लास फेलो प्राडो श्राडो में आते थे। तो एक दिन एक क्लास फेलो ने मुझे बस में देखा, तो उन्होंने कहा यार मुस्तफा आई सॉ यू विथ योर डैड इन बस, वाज दैट यू? कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। मैंने कहा यू नो व्हाट, यस दैट वाज मी, बिकॉज मुझे छोटी बड़ी गड्डियों में जो है ना ट्रैवल करना नहीं पसंद, मुझे बड़ी बड़ी गड़ियाँ पसंद। तो वो दिन था बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिप्रेशन फेज, पर एक साल का गैप ऐसा है, मैंने कहा कि यार ये ग्रेड्स वगैरह मैरिट ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं और इंसान को जो है ना बस एवरीथिंग इज़ मनी। इस्लामाबाद, इसी इस्लामाबाद में MBC के बाहर खड़े होके मेरे आंसू बह रहे थे, मेरे बड़े भाई मुझे तसल्ली दे रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, जिस डॉलर्स के लिए लोग अपना मुल्क छोड़ कर बाहर जाते हैं, दैट डॉलर्स विल कम टू माई डोर स्टेप्स। अब आप ये कह दो हवा में फायर, आई डोंट नो, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने सुनना था। और वो डिप्रेशन फेज में मैं बैठ के ओ लेवल्स के क्लास फेलोज़ के लिए मैंने छोटा सा एक, उस ज़माने में गूगल पेजेस थे, फिर गूगल साइट्स आए, फिर ब्लॉग स्पॉट आया, तो ब्लॉग स्पॉट पर खेलता गया मैं, कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर्स, डिज़ाइन वगैरह करते करते वेब डिज़ाइनिंग आ गई, तो उस पर आर्टिकल्स लिखने लगा। आर्टिकल्स से मुझे पता चला कि लोग पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, एंड यू कैन मोनेटाइज इट, एंड यू कैन कन्वर्ट दैट स्किल टू अ रेवेन्यू जनरेशन टेक्निक। एंड दैट कॉन्टेंट राइटिंग ब्लेस्ड मी विद गूगल एडसेंस। या जब डॉलर आते हैं तो सब खुश होते हैं, घर वाले भी खुश हुए हैं, लेकिन उससे मुझे ये हुआ मोटिवेशन मिली। देन आई ज्वाइन NED यूनिवर्सिटी, अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की, शादी कर चुका हूँ, 4.5 साल की मेरी बेटी है जो जोनम की मॉडल भी है, जिसको हम छोटे उस्ताद बुलाते हैं। तो स्कूल लाइफ से लेकर आज तक पेइंग अ सिंगल पैनी ईच एंड एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया उस डिप्रेशन फेज को। तो आज एक ऐसा स्टेज आया है कि नाउ व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ कैशलेस सोसाइटी, तो मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस को कम्प्लीटली, या आप कह सकते हो सेमी ऑफलाइन बनाया, बाय लॉन्चिंग अ क्लोथिंग ब्रांड कॉल्ड जोनम। अब व्हाई जोनम, यानी कि व्हाट एग्जैक्टली इज जोनम? देखें यार, हम प्यार से कहते हैं ना हसाम जोनम, कासिम जोनम, खबीर जोनम, वैसे ही ईरान में मेरी जान को बोलते हैं जोनम। अच्छा, मेरी जान को? या अच्छा, मैंने कहा यार को, यार को, जान को। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कुछ भी कहते हो, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं पाजी, तो जानू, जानी, मेरी जान, जानी, तो वो फारसी में जोनम। ठीक है, तो हमारा हर कस्टमर, कस्टमर बनने के बाद जोनम बन जाता है, जोनम बन जाता है, जोनू, पाजी, यार। ठीक है, तो वो एक एक शुगर कोटेड वर्ड है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी मिठास है, और वो हमारी मार्केटिंग में भी हमारे बहुत काम आए। एक छोटे से फ्लैट से 3 दोस्तों ने स्टार्ट किया, 2 मेरे साथ बलोच दोस्त हैं मेरे, दोनों ग्रेजुएट्स हैं, एक जॉब कर रहा है, एक ज़मींदार है, और हम तीनों में से किसी को भी जो है बी स्पोक इंडस्ट्री का कुछ नहीं था पता। बड़े फैशन ब्रांड्स हैं जिनको सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स हासिल है, तो 10 में से 8 बंदे कहते थे कि यार आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं चलेगा, कौन तुम्हें ऑर्डर प्लेस करेगा, कमीज शलवार का दर्जी से नाप लेके तुम्हें भेजेगा, पर वो वेट करेगा 6 दिन के जोनों वाले सूट भेजेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल पहले इस ब्रांड को स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज कराची के बड़े ब्रांड से पहले हमारे ऑर्डर्स क्लोज़ हो जाते हैं, और ईद के सीज़न में या शादियों के सीज़न में या बड़ी ईद के सीज़न में 2 महीने पहले हमारी बुकिंग क्लोज़ हो जाती है। और वाई जोनम, जोनम को स्टार्ट क्यों किया? पहले क्या होता था कि आप कपड़ा लेके जाते हैं दर्जी के पास, उसके नखरे बर्दाश्त करते हैं, पर वो आपका 4-5 हज़ार का सूट बना के 1-2-3 रुपये की थैली में डाल के कहता है कि हसाम भाई तुम्हारा सूट रेडी है। कोई रॉयल ट्रीटमेंट नहीं कस्टमर की, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, दैट इज समथिंग दैट मिसेस इन पाकिस्तान। पर हमने क्या सोचा, लेट्स ब्रिंग सम यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। जो सब धागा इस्तेमाल करते हैं, हमने वो धागा ही नहीं इस्तेमाल करना। 99% स्टिचिंग इंडस्ट्री जो धागा इस्तेमाल करती है वो इस तरीके से जलती है, वो सुखड़ती है और फेड होती है। सो वी ब्रॉट अबाउट contactedcourse.com, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक्सपोर्ट्स करता है अपने धागे को। हमने उनके साथ एक कमिटमेंट किया और उनसे कहा कि वी विल यूज़ योर थ्रेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जीरो स्ट्रेच, जो जोनम की स्पेशलिटी है, जो लोगों को पसंद आ रही है, आज मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लेकिन डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली यानी कि चेयरमैन सेनेट के बाद कासिम सूरी साहब ने हमें इनवाइट किया है, विल टेक हिज मेजरमेंट्स एज वेल। तो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, एजेंसी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं दैट भी मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खान इन कराची, ब्रिगेडियर सिंध, या बलूचिस्तान में आसिफ खान बजनजो, या चेयरमैन सेनेट हो गए, या जितने भी बड़े नामवर लोग हैं। अब यू वुड आस्क मी कि यार अगर सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करना है, तब तो गरीब के लिए कुछ नहीं है यार। व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड पैकेजेस, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, ताकि वर्किंग क्लास से लेके ब्यूरोक्रेसी तक सबको कैटर किया जा सके। एंड
एंड वी क्रिएटेड अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन किट, कमीज एक अलग शॉपर में, जो ट्राउजर है शलवार वो एक अलग पैकिंग में, ये दोनों एक जिप बैग में जाते हैं, जिप बैग हैंड कैरी बैग में जाता है और हम आपके घर पे आते हैं। घर से मुराद इस्लामाबाद नहीं, ढारो, ढेरकी, कराची, लाहौर, केपीके, पेशावर, लंदन, यूएसए, दुबई, इंडिया नहीं, इवन इंडिया। घर से मुराद वेयर एवर यू लिव, मे दैट बी विद इन द बॉर्डर्स और आउटसाइड द बॉर्डर्स। हम आपका सूट ला के आपको देते हैं थ्रू कुरियर सर्विस के, सर आपका सूट रेडी है। तो नेशनली विद इन 6 डेज हम डिलीवरीज देते हैं और इंटरनेशनली विद इन 9 डेज, जो DHL की सर्विस है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग अब हमें ये नहीं कहते कि यार मुझे कलर्स दिखाओ, मुझे फैब्रिक दिखाओ, वो कॉल करते हैं कि यार मुस्तफा मुझे 6 जोड़े चाहिए, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, अब किस कलर के चाहिए वी डिसाइडेड, दे डोंट डिसाइड। दिस इज़ द ट्रस्ट बिटवीन आवर कस्टमर्स, व्हाई, क्योंकि उसको पता है कि उसकी इनवॉइस चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज़रा बराबर भी उसमें किसी चीज़ की कमी हो, हम वी हैव अ फिलोसफी, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, वी नेवर डिबेट विद द कस्टमर। हम कहते हैं वो चीज़ आप वापस कर दें, फ्रेश पीस हम डिलीवर करते हैं या हम रिफंड करवा दें, रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेमन वाली फिलोसफी, कम खाओ रोज़ खाओ। मतलब जो स्टिचिंग सर्विस 3,500 की कराची में बड़े ब्रांड्स देते हैं, वही कोर्स का धागा इन्फ्यूजिंग स्टीम प्रेस मशीन से जो कपड़ा बनता है सिल के आता है, उसकी सिलाई मार्केट वैल्यू में इस वक्त 2,500 से 3,500 है, जो कराची में दी जा रही है, और कराची इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट स्टिचिंग सर्विसेज दे रहा है। हम वही चीज़ इस पूरी प्रेजेंटेशन किट के साथ 1,500 में दे रहे हैं, इनके 50% प्रमोशनल रेट पे। वाई, इस वक्त हम लोग को अपना काम दिखा रहे हैं और उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि विद इन 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पहला ब्रांच पंजगूर में बना लिया, फिजिकल आउटलेट जिसकी अक्टूबर में ओपनिंग सेरेमनी है। And I would like to show it to people as well. हालांकि ये ऑनलाइन मैं किसी के साथ दी थी, ये इससे मेरी मोहब्बत है अलग, इसको मैंने सरप्राइज रखा था, लेकिन समथिंग शुड बी शोन, यानी कि इट गिव्स मोटिवेशन। और ये मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि हम तीनों में से, मुझ में कमर मुस्लिम, हाँ चौथे पार्टनर को मैं भूल गया, आर फोर्थ पार्टनर अल्लाह सुबहान व तआला, वी कीप अ 10% पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू चैरिटी। यानी कि ये नहीं कारोबार अच्छा चल रहा है चलो अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं चल रहा यार क्या बात है, अच्छा गया। तो हम कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात का वो जो परसेंटेज है, इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे बिजनेस को इंश्योरेंस मिले। मुझे कक नहीं है पता बी स्पोक का, ना मेरे दो पार्टनर्स को पता है, तो हम जो भी गलती करते हैं अल्लाह ताला ऑटो करेक्ट हमें कर देते हैं। ये आपको जो मैं इंस्पायरेशन की बात कर रहा हूँ ना, ये वो चीज़ है जिसको देख के बंदा कहता है कि यार लेवल हो गया और मैंने भी इनके कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो ये वाली सारी स्किल हर चीज़ ये आप लोग भी आराम से कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आसमान से उतरे थे या इनको सारी नॉलेज जीरो से थी या ये पैदा होकर सारी नहीं, बस इनके अंदर ये था कि इनमें गट्स थे कि यार जो भी है मैंने अपना कुछ इस्टेब्लिश कर रहा है बस, और ये आप लोग भी कर सकते हैं इसलिए अभी मुसाफा। अच्छा ये हमारा ब्रांड है, ये मैं पंजगूर किया था, अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी पंजगूर का नहीं पता, ये सर 80% में कम्प्लीट ठीक है। और ये उसका इंटीरियर है, आई मेड श्योर के द इंटीरियर ऑफ दिस शुड बी नथिंग लेस देन इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो ये हमने एक चवट इन चप्पल का पूरा इसमें भी लोगो लगा, ये 70% कम्प्लीट था जब मैंने इसकी पिक ली, तो इसमें बलोची चवट एंड पेशावरी चप्पल होंगे, और ये जो शोपीस आप देख रहे हैं जो रखे हैं, और ये है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड एक्सक्लूसिव कैटेगरी, यहाँ हम कपड़ों के सैंपल्स रखेंगे। और ये है हमारा, अब इस तरीके की एक वॉल है, ये जब डिज़ाइन योर सूट विद जॉनम, ये क्या है, ये शोपीस के अंदर कपड़ों के सारे डिज़ाइंस होंगे, कॉलर के, कफ के, पट्टी के, कस्टमर आएगा, आई वुड से कि पहले होता क्या था कि एक 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 बड़े ब्रांड के आउटलेट में होता क्या है, 10-15 सेल्समैन होते हैं, एक कैशियर होता है, बंदा आता है कुछ चीज़ उठा के चला जाता है, कैशियर को पैसे दे के आ जाए, नो कस्टमर इंगेजमेंट। हमने कहा यार कस्टमर अंदर आए तो 20 मिनट से पहले उसको बाहर मत जाना। अच्छा, फॉर दैट वी क्रिएटेड अ कस्टमर इंगेजमेंट एरिया, हाउ टू क्रिएटिविटी, यार अपना सूट खुद डिज़ाइन करो। अच्छा, तो वो 10-15 मिनट में अपना सूट डिज़ाइन करके, पर जो हमारे पास फैब्रिक का स्टॉक पड़ा है उसकी कलर कोडिंग होती है, वो डिस्प्ले में जाके सेलेक्ट करता है, अच्छा मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, मेजरमेंट वहाँ सेलमैन ले लेता है, सॉफ्टवेयर में ऑर्डर आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट कराची में, हमारे जितने भी ब्रांचेस अब पाकिस्तान में जहाँ भी बने, सूट स्टिच होगा तो हमारे नज़रों के सामने,
एक ही क्वालिटी जो मैकडॉनल्ड्स की फिलॉसफी है, केएफसी की फिलॉसफी है कि जितने भी आउटलेट्स बन जाए सबवे के, वो बन और मसाला और वो जो सीक्रेट रेसिपी है वो एक गाड़ियों में सुबह सेम रहेगी। अब बिरयानी, अगर आप बिरयानी के तीन चार किचन बना लेंगे तो सारे बिरयानियों का टेस्ट अलग होगा, लेकिन अगर एक किचन होगा, रेसिपी सेम होगी और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, पर क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो लंबा सफ़र है और ये पहला ब्रांच था, इसके बाद हमारा क्लिफ्टन कराची में बन रहा है, इसके बाद हम फ्रेंचाइज लाइसेंस देंगे, विच मीन्स डू नॉट यूज़ योर मनी, यूज़ द इन्वेस्टर्स मनी एंड फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। अब वो लोग जो कहते थे कि यार ये चलेगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग और उनकी पूरी फैमिली भी जॉनम से कपड़े सिलवा रहे। बी ड्रॉप हो गई, बस बी ड्रॉप कर दे, फोन ड्रॉप कर दे, अपना कैमरा ड्रॉप कर दे। सो व्हाई नॉट क्लिफ्टन फर्स्ट, व्हाई नॉट, व्हाई पंजगो फर्स्ट? देखिए, मैं माओ ज़ेडुंग को बहुत स्टडी करता हूँ, जो यानी कि द गॉड फादर ऑफ चाइना, उसकी क्या फिलोसफी थी कि यार आप गाँव देहातों से स्टार्ट करो जहाँ जीरो कॉम्पिटिशन हो, और वहाँ से रेवोल्यूशन क्रिएट करो, पर ये सेंटर की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। प्लस इसका बेनिफिट क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्लिफ्टन में 2.5-3 लाख रुपए का एक आउटलेट रेंट पे मिलता है, वहाँ मुझे 20,000 रुपए का रेंट पे पंजगूर में मिल गया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टारगेटेड कस्टमर। मेरे कस्टमर्स कहाँ हैं? कराची में, पिशावर में, केपीके में, पैंट शर्ट में, आज मैं खुद पैंट शर्ट में ढूंढ रहा हूँ। पंजगूर इज़ लाइक द दुबई ऑफ बलूचिस्तान, इट इज़ द बॉर्डर क्लोज टू ईरान, और जितना डीजल, ईरानी पेट्रोल एंड डीजल आता है वो यहाँ से आता है। यहाँ के लोग मिलियनर्स नहीं हैं, बिलियनर्स हैं व्हेन इट कम्स टू पीकेआर। और इनके तीन शौक हैं, अच्छे घर बनाना, बड़े बड़े अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, और अच्छा लिबास पहनना। और अच्छे लिबास से मुराद ये नहीं है कि अच्छे कपड़े हैं, अच्छे लिबास से मुराद है कि वो दो मरतबा जब कपड़ा धुल जाए वो दोबारा नहीं पहनते। जैसे कराची की हमारी ऑडियंस है, वो एक सूट बनवाते हैं या छोटी ईद में या बड़ी ईद में। बलूचिस्तान के लोग या